हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है समांतर श्रेणी 5वीं, ठीक है, जिसके 5.2 के हमने क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 9। एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद हैं? 60 पद। क्वेश्चन 9, जिसमें प्रथम पद है ना, वो तो हमें दिया गया है कितना, 7वां। प्रथम पद यानी कि ए बराबर तो है 7, और अंतिम पद, अंतिम पद यहाँ कितना है, कुल अगर 60 पद हैं तो अंतिम पद 60 होगा, तो 60 को कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस 59 डी बराबर कितना दिया गया है, बराबर दिया गया है 125। कितना दिया गया है, 125। और हमें 32वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है, 32वां पद। तो देखो, ए का मान तो अपने पास है, अब हम डी का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, डी का। तो देखो, ये समीकरण एक मान लो, इसको मान लो 2, ठीक है। तो समीकरण 2 में से एक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं या फिर मान रख देते हैं, ठीक है। देखो, अपने पास ए का मान तो है ही है, क्या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में एक का मान रखने पर, किस पर, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, ए का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। तो ए अपने पास है 7 प्लस 59 डी बराबर 125। ये 7 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 59 डी बराबर 125 माइनस 7। 59 डी बराबर, देखो 5 माइनस कर दो तो 20 और 2 माइनस कर दो तो 18, तो ये हो गया 118। अब डी का मान निकालने के लिए इसमें 59 का भाग दे देते हैं, तो 59 से जब भाग देंगे तो इससे देखो 2 से गुना करेंगे ना, तो 9 दुनी 18, 5 दुनी 10 और 1 11, कितनी बार गया, 2 बार। तो ए का मान तो आ गया अपने पास, ए का मान तो है 7 और डी का मान कितना दे दिया, आ गया हमने निकाल लिया कितना, 2। अब कोई सा पद पूछ ले, चाहे हम कोई सा भी पद निकाल लेंगे, अब तो ए और डी का मान अपने पास है, तो उसने हमसे 32वां पद पूछा है। कौन सा पूछा है, 32वां। तो वही फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। ए का मान है अपने पास 7, एन अपने को निकालना है 32 माइनस 1 और ये है अपने पास 2, ए 32 बराबर। तो देखो, ये तो हो गया 7 प्लस में ये रह जाएगा 31, कितना 31, 31 का गुना कर दो 2 से, तो 2 एक कम 2 और 3 दूनी 6, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा कितना, 69। कितना आ गया, 69 आ गया। कौन सा पद, 32वां पद। हमसे 32वां पद ही तो पूछा था और हमने 32वां पद निकाल दिया। कितना आया है अपना 32वां पद, अपना 32वां पद आ गया 69 यानी कि 69। ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। कैसी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में। देखो, चार संख्या समांतर श्रेणी में यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है, क्या है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो सबसे बड़ी संख्या है ना, वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है, और हमारे पास 4 संख्या है। तो देखो, मैंने बताया था आपको, हमने जो एग्जाम्पल किया था ना 12वां, है ना, वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। देखो, उसमें तो थी 3 संख्याएँ, कितनी थी,
तीन, जैसे मैं इधर लिख के बताता हूँ। देखो जब तीन थी तो मैंने बताया हम क्या मानते हैं, ए ए प्लस डी और ए माइनस डी, ठीक है। और मैंने बताया था ये तो होती है कब, जब संख्याएं विषम हो, और जब सम संख्याएं हो तो हम क्या मानते हैं, ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस में थ्री डी और ए माइनस थ्री डी। तो ये तो विषम संख्याओं और सम संख्याओं को ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या अब अपने पास क्या है, सम संख्याएं, तो मान लेते हैं वो चार संख्या कैसी हैं, ऐसी, ठीक है ना। तो माना समांतर श्रेणी है अपने पास a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी हमें कुछ नहीं दिया हो, ऐसे दिया हो ना कि तीन संख्याओं का योग इतना है, गुना इतना है, या कुछ और भी दिया हो, तो हम उनको कैसे फाइंड करेंगे, हम जो वो तीन संख्याएं हैं या चार हैं या पाँच हैं, देखो तीन और पाँच हुई तो हम पाँच होंगी तो इधर और बढ़ा देंगे, ये है चार के लिए, और छः होंगी तो इधर इधर और बढ़ा देंगे, है ना। तो जब सम हो तो ऐसे मानते हैं ऐसे, और विषम हो तो ऐसे नंबर मानते हैं, ठीक है। उसमें भी हमने सेम यही किया था। अब देखो पहली जो शर्त है उसने, उसमें हमें बोला है कि यदि संख्याओं का योग 50 है, क्या है, संख्याओं का योग 50, यानी इन सब का हम क्या कर देते हैं, योग करने पर कितना आ रहा है 50। तो सबसे पहले इनका क्या कर देते हैं, शर्त, पहली शर्त, ठीक है। प्रथम शर्त है अपने पास a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी, ठीक है। सबको सबका प्लस हो रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत है ही नहीं, इधर आ गया बराबर में 50, ठीक है। अब देखो हल कर लेते हैं, देखो d प्लस की कितनी है, देखो 3d माइनस की और 3d प्लस की, तो 3d से 3d कट गया, ये माइनस की d और ये प्लस की d कट गया। अब a बच गया अपने पास 1, 2, 3 और 4, तो 4a बराबर कितना आ गया, 50 आ गया, कितना आ गया 50। तो हम यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे a का, तो सरल है, देखो a बराबर 50 बटे में 4, दो से काट दो, 25 बटे में 2, दो से काट दो 12.5। तो प्रथम संख्या है ना जो अपने पास, वो अपने पास कितनी आ गई, 12.5 आ गई, कितनी आ गई 12.5। अब उसने पता है क्या कहा है, उसने ये कहा है दूसरी शर्त में कि जो अंतिम संख्या है ना वो पहली संख्या के कितनी है, 4 गुनी है, कितनी है 4 गुनी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 4 गुना करके अंतिम संख्या निकाल लेंगे। तो ये a का मान है, किसका मान आ गया, a का। देखो a का मान मतलब ये कोई प्रथम संख्या नहीं होगी कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि देखो अपने पास प्रथम संख्या कौन सी है, प्रथम संख्या तो अपने पास है a माइनस थ्री डी, ये प्रथम है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, जो चार संख्याएं, तो ये a का मान आया है केवल, कौन से, इस a का मान। तो प्रथम संख्या पूरी निकालने के लिए हमें किसका मान और चाहिए, d का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, d का। तो देखो प्रथम शर्त तो निकल गया a का मान, अब जो दूसरी शर्त है उससे हम निकालेंगे किसका मान, d का मान, किसका निकालेंगे, d का। ये तो थी प्रथम शर्त, अब हम निकालते हैं द्वितीय शर्त से, किससे निकालते हैं अब हम, जो इसकी दूसरी शर्त है, ठीक है, दूसरी शर्त लिख लो चाहो तो, क्या है अपने पास दूसरी शर्त, दूसरी शर्त है अपने पास, उसने कहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है सबसे छोटी से क्या है, 4 गुनी है, कैसी है, 4 गुनी, सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे छोटी की क्या है,
चार गुनी है, यानी कि मैं इस पहली का गुना चार से कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा? तो देखो अपने पास दूसरी शर्त है कि a प्लस थ्री डी बराबर है किसके, चार गुना में a माइनस थ्री डी के। ठीक है, ये समीकरण बनाना आना चाहिए, बस इसको समझना कि वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। उसने कहा है कि जो अंतिम संख्या है पहली संख्या से चार गुना ज्यादा है, तो हम पहली संख्या में चार से गुना करके अंतिम संख्या के क्या रख देंगे, उसको बराबर रख देंगे। ठीक है, अब हल करते हैं। देखो a प्लस थ्री डी बराबर, चार का गुना कर देता हूं मैं, चार ए माइनस बारह डी। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं, हम हल कर लेते हैं, ए ए वाले एक साथ और डी डी वाले एक साथ। तो देखो मैं इसको इधर लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर इसको इधर लूंगा तो भी किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, तो देखो इसको मैं इधर ले लेता हूँ तो माइनस का फोर डी, तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, माइनस का थ्री डी, और ये इधर आएगा तो माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, पंद्रह डी। तो माइनस से माइनस कट गया, सॉरी ये हो जाएगा ए, क्या होगा थ्री ए, और ये माइनस से माइनस कट गया, तो थ्री ए बराबर आ गया कितना, पंद्रह डी। तो देखो अब हमें डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, डी का, तो पंद्रह को इधर भेज देते हैं और यहां रख देते हैं ए का मान, किसका मान, ए का मान, ए का मान हमने निकाल लिया कितना है, 12.5 या 25 बटे में दो, कोई सा भी रख दो, हम देखो 25 बटे दो रख देते हैं यहाँ ए का मान, तो तीन गुना 25 बटे दो, अब यह 15 इधर गुना में तो इधर भी भाग में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर में डी। तो देखो डी बराबर कितना हो गया, 25 थी 75 बटे में 15 दूनी 30, यानी कि 30 दूनी 60 बचा 15.5, कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 2.5, किसका मान, डी का मान। अब अपने पास ए और डी क्या आ गए, दोनों के मान आ गए, ए का भी आ गया और डी का भी आ गया, और चार संख्याएं हमने मान रखी हैं। देखो ये जो चार संख्या मानी है ना, इनमें हम किसका मान रख देते हैं, ए और डी का मान। देखो एक बार शुरू से देखते हैं, मैंने पहले ही बताया जब भी सम और विषम मा होती हैं तो अलग अलग तरीके से मानते हैं। अब अपने पास सम संख्याएं, तो सम संख्या कैसे मानेंगे हम, सब यहां से स्टार्ट करना, a माइनस डी और a प्लस डी, अब एक इधर बढ़ा देना और एक इधर, और अंतर कितना होना चाहिए, 2d का, a प्लस में 3d और a माइनस में 3d। अब उसने कहा है इन सब का जो सम है, यानी इन सबको जोड़ने पर आ रहा है 50, तो हमने इन सबको जोड़ा तो a का मान आ गया 12.5। अब उसने कहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के जो लास्ट संख्या के क्या है, जो लास्ट संख्या है वो चार गुना ज़्यादा है पहली संख्या से, तो हमने पहली संख्या में चार से गुना करके अंतिम संख्या के उसको बराबर कर दिया, यानी चौथी संख्या के। अब यहाँ से हमने क्या किया है, इसको हल कर लिया तो ए का मान रख दिया यहाँ 3a, ए का मान अपने पास 25 बटे 2 रख दिया, तो 25 बटे 2, ये 15 इधर आया तो ये तो हो गया 25 थी 75 और 30, तो अपने पास डी का मान आ गया 2.5। अब हमें क्या निकालनी है, वो चार संख्या निकालनी है, तो इस सीरीज में, यानी इस सीरीज में ए का और डी का मान रख देते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो ए व डी का मान रखने पर, ए का मान चाहो तो 2.5 रख लो, चाहे 25 बटे 2 रख लो, ए की बात है, हम 2.5 से ही कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, 2.5 से, माइनस डी का मान है 2.5, इसका मान कितना है 12.5, कितना है 12.5, और 2.5 गुना है 3, 2.5 गुना 3d है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा 7.5। तो ये अपने पास क्या आ गया, 5, क्या आ गया 5 अपना क्या आ गया, अब 5 है जो ये अपना प्रथम पद है, क्योंकि a माइनस थ्री डी ये प्रथम पद है, a माइनस डी दूसरा पद, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तो अपने पास आ गया प्रथम पद।
अब द्वितीय पद है a माइनस डी, तो a अपने पास कितना है 12.5, d अपने पास कितना है 2.5, तो ये माइनस कर दो कितना बचेगा 10, क्या आ गया 10, तो ये अपने पास आ गया दूसरा पद। फिर है अपने पास a प्लस डी, तो a तो है 12.5, d है 2.5, तो ये हो गया 15, ये अपने पास कौन सा आ गया तीसरा पद। ठीक है, चौथा है अपने पास a प्लस 3d, तो 12.5 प्लस में 3d, तो 3d कितना होता है 7.5, तो देखो इसमें ये 5 दे देंगे तो हो जाएगा 13 और 7 हो जाएगा 20, ये हो गया अपने पास चौथा पद। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं जो अपनी शर्तें थी ना वो, देखो पहली शर्त थी कि इन तीनों का योग, चारों का योग कितना आ रहा है 50, तो इनका योग देखो 20 35 45 और 50, इनका योग कितना आ रहा है 50, और चौथी संख्या पहली संख्या के चार गुनी है, देखो इसका गुना 4 से कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, 5 चौके 20 और 20, तो अपनी दोनों शर्तें यहाँ क्या होती हैं कंप्लीट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं कंप्लीट, है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आए, अब देखो यहाँ 4 संख्याएं थी, अगर 6 संख्याएं होती तो हम इधर और एक बढ़ा देते a प्लस में 5d और एक इधर बढ़ा देते a माइनस में 5d, और 3 थी तो हमने 3 का उदाहरण किया है, और मैंने कल की वीडियो में भी बता दिया था ना कि इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो में, उसको और अच्छे से देख लेना, आपको लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई अपनी 5.2 कंप्लीट। ठीक है, अच्छे सवाल थे, 12वां भी जो उदाहरण था और ये लास्ट का 10वां क्वेश्चन, तो मैं ये मिटा देता हूँ। पाँच पॉइंट दो हो गई अपनी कंप्लीट। अब हम कर देंगे 5.3 स्टार्ट, कौन सी करेंगे 5.3। तो देखो 5.2 में तो हमने क्या सीखा था, एन व पद निकालना, क्या पूछा सीखा था एन व पद निकालना, है ना। अब जो है अपनी 5.3 उसमें हम सीखेंगे एन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। हमें पद दे दिए जाएंगे अब, ठीक है, और हमें बोला जाएगा कि इस श्रेणी के पदों का योगफल निकालो। ठीक है, तो योगफल निकालने का भी एक सीधा सा सूत्र है, वो सूत्र लगाएंगे और हम योगफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, और n पदों का योगफल क्या है sn है, क्या है sn। तो देखो अब हम क्या मान लेते हैं, जो वो श्रेणी है ना उसके n पदों का योगफल तो है sn, तो इसे sn से लिखते हैं, किससे लिखते हैं sn से, और वो ये प्रथम पद तो है a और सार्वंतर है d, तो अपने पास फॉर्मूला होता है n अपॉन 2। देखो n क्या है, जो जितने हमें पद दिए गए ना वो तो क्या होगा n, जैसे 30 पदों को हमें सम निकालना है ना, तो यहाँ हम उसको 30 ले लेंगे n, यानी जितने भी पद हमें निकालने ना वो उतने ही हम यहाँ से ले लेंगे। तो फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, देखो उस फॉर्मूले से थोड़ा सा ही अलग है, अपन ने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था। अब क्या हो गया इसमें, एक तो हो गया ये 2a और बाहर आ गया n अपॉन
टू। एन क्या है यहाँ, जितने भी हमें नंबर का सम निकलवा रहे हैं ना, वो एन है, ए है अपना प्रथम पद, डी अपना सार्वंतर, ठीक है। और एस एन क्या है, यदि उनका सबका सम, एन पदों का क्या होगा, सम। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना, एन बटे में दो टू ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी। उस फॉर्मूला से थोड़ा सा ही अलग है, बस एक की जगह हो गया दो ए और बाहर गुना कर देंगे हम एन बटे दो से, ठीक है। तो याद करने में इसको कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, है ना। एस एन होता है यानी कि एन पदों का योगफल, एन बटे में दो दो ए प्लस एन माइनस वन गुना में डी। अब देखो इससे ही संबंधित एक आध उदाहरण कर लेते हैं। सत्य जैसे उदाहरण है इसमें तेरवा, योगफल ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी एक सात चार दस क्या है। देखो उदाहरण है अपने पास, तेरवा का पहला है कि समांतर श्रेणी दी गई है हमें एक सात चार सात दस, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कौन सा, बीस पदों का, कितने का, 20 पदों का योगफल। ठीक है, तो 20 पदों का हमें योगफल निकालना है, तो सीधा सीधा इस सूत्र से निकालेंगे। देखो एस फॉर्मूला ये लिख रहा, एस एन, एन का मान है 20, कितना है 20, तो एन बटे दो 20 बटे में दो, दो ए, ए का मान कितना है अपने पास एक, तो दो गुना एक एक ही होगा, प्लस एन अपने पास 20 है, जो जितने पद निकाल रहे हैं ना हम वो, गुना में डी यानी कि सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना है तीन, एक और तीन चार, चार और तीन सात, और सात और तीन दस। अब इसे हल कर लेते हैं, दस दो प्लस में 19 कितना हो गया 19, तो कितना होता है 19 थी 57, 57 और 2, देखो 57 और 2 हो गया 59, 59 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 590। ये हो जाएगा इस श्रेणी के प्रथम 20 पदों का सम, ठीक है। तो जितने 20 पदों का सम कितना आ जाएगा अपने पास 590 आ जाएगा। अब अपने पास जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो कुछ इसी इसी तरीका के होते चले जाएंगे। जैसे इसी में हम अब दूसरा उदाहरण कर लेते हैं, देखो दूसरा है अपने पास 2, 7, 12 और 10 पदों का योगफल निकालना है 2, 7 और 12, 10 पदों का योगफल निकालना है, तो सूत्र वही है, एस एन का मान तो है 10, 10 बटे में 2, 2 ए, ए का मान है 2, तो ये हो जाएगा 4, प्लस एन माइनस 1, तो एन तो है 10, 10 में से एक गया तो 9, 9 का गुना किससे करेंगे 5 से, क्योंकि डी का मान कितना है 5, ये हो गया 5, 9 पंजे 45 और 4 49, 49 का गुना कर लो 5 से, तो 9 पंजे 45 का 5 का हासिल लगी 4, 5 चौके 20 और 4 24, तो कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 245। तो प्रथम n पदों का योगफल कितना है 245, कितने पदों का 10 पदों का, जो 30 अब इसमें कितने थे, ये दो ही थे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद करना है, एस एन, एन बटे में दो, दो ए प्लस में एन माइनस वन गुना डी। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम ऐसे करेंगे, एन तो वो होगा जितने पद हमें दिए होंगे, ए अपने पास पता है प्रथम पद होता है, डी अपने पास सार्वंतर होता है, तो डी हम निकालना जानते ही हैं। तो अब इसमें जो हमने पिछला फॉर्मूला पढ़ा था ना, कुछ क्वेश्चनों में उसका भी यूज होगा और कुछ में दोनों का यूज होगा, और कुछ में इस सिंगल फॉर्मूले से भी हो जाएंगे। तो इसके आगे के जो एग्जांपल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही है, ये फॉर्मूला अच्छे से
याद कर लेना।